हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली हम जो पीपल डिस्कस कर रहे थे, और पीपल की हम फंक्शनैलिटी मॉड्यूल्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने फर्स्ट पार्ट में जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया था वो मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया था। पीपल हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या उसमें है। शायद मैंने होम और सर्विस डिस्कस करी थी लास्ट टाइम। सो अभी हम उससे आगे के लिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम ज़ोहो पीपल में कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा बस एक कंसर्न है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मुझे अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा या मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको किस चीज़ में इशू आ रहा है, तो मैं किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करके वीडियोस बनाऊं। सो ये आप ही के लिए है। जितना आप मुझे रिस्पांस करेंगे उतना मैं आपको आगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ और लर्निंग वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट। बट सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बेसिकली लास्ट टाइम हमने सर्विसेज के बारे में बात की थी, तो हमारे पास ये सर्विसेज होती हैं। हम पर्टिकुलर एक सर्विस पे जाके भी चेक कर सकते हैं, लाइक लीप ट्रैकर एक सर्विस है जिसमें हम इसका लिस्ट व्यू देख सकते हैं, कैलेंडर व्यू देख सकते हैं, लीप एप्लीकेशंस देख सकते हैं, जो भी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हुई हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रिक्वेस्ट होती है, जो भी अगर लाइक पेड जिसे कहते हैं, या आप आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री लीव बची हुई है, आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। लीव ग्रांट यानी कि जो भी लीव हमारी मैं लीव के लिए अप्लाई करूँगी, जिसके लिए मुझे अप्रूवल की नीड है, तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ लीव के लिए। लाइक सपोज आप यहाँ से सिंपली डेट, जौन से भी डेट तक के लिए चाहिए, लीव टाइप कौन सा लीव टाइप है ये हम डिफाइन करेंगे। लीव टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, ग्रांट कितने दिन में ग्रांट करनी है, मतलब 1-2 दिन के लिए, कितने दिन के लिए चाहिए, रीज़न देना है, और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रिक्वेस्ट में भी सेम है, ऐसे ही हमें रिक्वेस्ट करना है। यहाँ पे आपका अटेंडेंस डिटेल जो भी आती है, एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने लॉग इन कर रखा है तो आप ही का ही आएगा यहाँ पे। वर्क डे आपका वही रहेगा, यानी कि जिस भी दिन आपने ये करी है, मतलब कि जिस दिन आप लीव लेना चाहते हैं, वो वाला मींस कॉम्प्लीमेंट्री रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं उस दिन। यूनिट डे और आवर का है, किस चीज़ का है, ड्यूरेशन फुल डे हाफ डे या क्वार्टर। वर्क टाइम कितने से कितने टाइम का है, एक्सपायर कब होना है, मतलब कि ये रिक्वेस्ट कब तक के लिए है, रीज़न और सेव। ये आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से अप्रूवल के लिए जाएगी। अप्रूवल जो भी सीनियर पर्सन होगा आपका, वो अप्रूव करेगा। हॉलीडे सेम है, लीव ग्रांट में भी आपका अप्रूवल, अगर आपको सेटअप करना है आप कर सकते हैं, नहीं है तो लीव कर सकते हैं। अगर कोई हॉलीडे है तो वो हॉलीडेज यहाँ पे आपके मेंशन होते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से आपको जो हॉलीडे मिलेंगे वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। और अगर ये एडमिन एक्सेस है, तो हम एडमिन एक्सेस में यहाँ पे कोई और भी हॉलीडे है तो हम ऐड कर सकते हैं, जो हर एक एम्प्लॉय को दिखेगा हॉलीडे, न्यू हॉलीडे जो भी आता है। ऐसे ही हमारी और भी सर्विसेज हैं। टाइम ट्रैकर है, इसके लिए टाइम ट्रैकर में आपको लिस्ट व्यू, कैलेंडर व्यू दिखेगा। टाइम शीट यहाँ पे आपको दिखेगी कि कितना आपने टाइमर, आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से टाइमर। सपोज आप स्टार्ट कर देते हैं एक दिस वीक, एम्प्लॉय ये है, क्लाइंट हम टेस्ट ले लेते हैं, और क्लाइंट प्रोजेक्ट कोई सा भी प्रोजेक्ट ले लेते हैं, जॉब अगर है तो बनाई हुई है मैंने, क्लाइंट मेरा कोई है नहीं, आई थिंक ये लेगा नहीं टेस्ट। बिलेबल नॉन बिलेबल का स्टेटस है, अगर आप ये जो टाइम स्टार्ट कर रहे हो ये बिलेबल है, या आप इसकी बिलिंग नहीं दे रहे हो यानी कि कोई पैसा नहीं दे रहे हो, तो आप इसको नॉन बिलेबल करोगे। अगर पर घंटे की या पर टास्क की या जितना टाइम आपने इस पे काम किया है उसका, अगर वो आपको अमाउंट दे रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहा है उसका, तो बिलेबल रहेगा। अगर उसका कोई भी अमाउंट नहीं है, बस वो टाइम कैलकुलेट करना चाहता है, तो नॉन बिलेबल रहेगा।
तो अभी लेबल है, मैंने इंडेक्स कर दिया है यहाँ, नो लॉग आर अवेलेबल टू सबमिट आ क्लाइंट, हमारे पास नहीं है, लेकिन एक्चुअली अटेंडेंस नहीं लगी है आज की। मैंने इसमें यूजर्स नहीं करे हैं, ये एडमिन एक्सेस है, मे बी इसका इश्यू हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास इसकी सारी सेटिंग्स है जो हम करेंगे। फिलहाल मैंने इसकी सेटिंग को अनेबल नहीं करी है, मैं इसकी सेटिंग भी अनेबल करना आपको बताऊंगी। पर उससे पहले हम एक सिस्टम रिव्यू ले रहे हैं बिलेबल का वर्किंग। लॉक टाइम यूजिंग के लिए टोटल आर, स्टार्ट और एंड डेट और टाइमर होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है। लॉक टाइम हम यहाँ ऐड कर देते हैं, ये प्रोजेक्ट है, ये जॉब है मेरी, वर्क आइटम ये है मेरा, डेट ये है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ, स्टार्ट और एंड टाइम डाल दिया है मैंने, नॉन बिलेबल है, सेव इट। ओके, अटेंडेंस नहीं लगी है, इसको मैं कर देती हूँ 10 आवर्स, और आई एम जस्ट स्टार्ट द टाइमर ऑल्सो। ओके ओके, तो फिर हम अटेंडेंस ही लगा देते हैं। इसका हमें चेक करना पड़ेगा, ये इशू अगर ऐसा आता है तो मैं इसके लिए आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ बाद में कि ये प्रॉब्लम हमें क्यों आ रही है। टेस्ट कर लेते हैं हम। अटेंडेंस 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 का प्रॉब्लम है, हम अटेंडेंस में देख लेते हैं। होपफुली अभी काम करना चाहिए।
ठीक है, हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम तो शो हो रहा है लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। टाइम 13 तक का है। डन। तो बेसिकली हम टाइम लॉग्स, टाइम ट्रैकर में इस तरीके से ही टाइम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये मेरा लाइव अकाउंट है, इसलिए मैं इसमें अभी बिना उसके छेड़ाखानी नहीं कर सकती। सो बेसिकली मैं इसकी फंक्शनैलिटी एक बार रीसेट करके नेक्स्ट वीडियो में ये वाला इशू मैं ज़रूर रिजॉल्व कर लूँगी। लेकिन हम टाइमर इस तरीके से ही स्टार्ट करते हैं। एंड इसके बाद इसका हम कैलेंडर व्यू देख सकते हैं। टाइम शीट है तो जो भी आपका टाइम बिलेबल नॉन बिलेबल है या आपको किसी टाइम शीट का अप्रूवल लेना है या सो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा सेट नहीं हो रही है अभी भी। ठीक है, और इस टाइम शीट का अप्रूवल जो भी होगा वो यहाँ पे आपको शो होगा। प्रोजेक्ट जॉब में जॉब बना सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और जो भी क्लाइंट है वो यहाँ पे बना सकते हैं। सपोज कोई क्लाइंट आपका है सो आप यहाँ पे क्लाइंट दे सकते हैं। उस क्लाइंट की करेंसी क्या है, वो बिलेबल मेथड आर जॉब रेट कर रहा है, यूज़र रेट कर रहा है, या जो भी है आर बेसिस कर देते हैं। ये उसकी बेसिक डिटेल्स हैं जो एंटर करनी है और हमारे यहाँ क्लाइंट क्रिएट हो जाता है। जॉब शेड्यूल है यहाँ पे, जो भी अगर हम शेड्यूलर कोई लगाते हैं वीक डे का कर सकते हैं हम यहाँ पे। ये आवरली बेसिस हो गया, जो भी टाइमिंग आपकी चलती है वो आवरली पे यहाँ पे शो होती रहती है। ये शेड्यूल अगर आपको करनी है तो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। अभी आपने यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर लिया, टाइम कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे इसको पब्लिक कर सकते हैं, या फिर जब टाइमर आपका ख़त्म हो जाए तो अगर आपका वो टाइमर सही है तो आप इसको पब्लिक करके वहाँ शो करा सकते हैं। यहाँ पे आपका टाइम कैलकुलेट होता है पर डे के हिसाब से, पर एम्प्लॉय के हिसाब से। दैट्स इट। एंड ये बेसिक उसकी सेटिंग्स हैं, जो भी सेटिंग्स हम बिल्कुल लास्ट में